के बाद राष्ट्रीय जनता दल को जातीय जनगणना कराने की कोई आवश्यकता हमको नहीं लगती है, क्योंकि वो तो जाति तोड़कर दूसरी शादी कर रहे हैं। उनको जाके पूछना चाहिए कि अब जात किनका लिखे, आपका लिखे कि आपकी पत्नी का लिखे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूँ आपके साथ शिवम। जातीय जनगणना की मांग को लेकर जहाँ एक तरफ बिहार में राजद और जेडीयू एक साथ है, वहीं बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी का कहना है कि राजद को तो यह मांग करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तो जाति तोड़ के दूसरे धर्म की लड़की से शादी कर लिया। तो कहीं ना कहीं आज बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर जोरदार प्रहार किया है और क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुने। जनगणना देखिए, जनगणना जहां तक राष्ट्रीय जनता दल का सवाल है, हम जदयू और भाजपा तो बैठकर तय करेंगे ही कि हमको क्या करना है, इसमें कहीं दो मत। ये बिहार के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम सब लोग बैठकर इस पर विचार करें, लेकिन अब राष्ट्रीय जनता दल को जातीय जनगणना कराने की कोई आवश्यकता हमको नहीं लगती है, क्योंकि वो तो जाति तोड़कर दूसरी शादी कर रहे हैं। तो बिहार और उत्तर प्रदेश में तो दो युवराज हैं, उन्होंने तो धर्म जाति ही तोड़ दिया, तो अब उनको जातीय जनगणना की जरूरत कहाँ। जातीय जनगणना भाजपा और जदयू को तय करना है कि हम कराएंगे नहीं कराएंगे, इसकी समीक्षा होगी। कहा कि जो व्यक्ति जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं उनको जाके पूछना चाहिए कि अब जात किनका लिखे, आपका लिखे कि आपकी पत्नी का लिखे। हमने कहा कि जो लोग इसका डिमांड कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लगातार इसका डिमांड कर रही है, हम लोगों ने तो कहा कि इसकी बैठ के समीक्षा होगी, तो समीक्षा होगी, माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर सर्वदलीय बैठक होगी, जो निर्णय होगा उसको आपको बताया जाएगा। तो आपने साफ तौर पर सुना, बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी का कहना है कि राजद के नेता तेजस्वी यादव को अब यह मांग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जाति तोड़ के दूसरे धर्म की लड़की से शादी किया है, तो उनको जातीय जनगणना की मांग जो है वो नहीं करनी चाहिए। वहीं उनका यह भी कहना है कि बीजेपी और जेडीयू एक साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ समीक्षा बैठक करेगी, उसके बाद ही यह निर्णय लिया जाएगा कि बिहार में जातीय जनगणना होना चाहिए या नहीं। तो कहीं ना कहीं कहें तो बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी ने आज राजद के साथ साथ तेजस्वी यादव पर जोरदार प्रहार किया है, तो ऐसे में अब राजद की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर आती है। बहरहाल, आप बने रहे हमारे साथ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।